Morning, everyone. Continuing with our next topic, that is effect of the rectification of errors on net profit. जो effect है rectifying entry का personal और real accounts पे, उसका effect ultimately आपका balance sheet पर भी होगा. अगर कोई error आपका हुआ है personal या real accounts में और उसे आपने रेक्टिफाई किया है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में आपको शो होगा. रीजन बीइंग, बैलेंस शीट में हम पर्सनल और रियल अकाउंट्स को लिखते हैं. जो अकाउंट्स हैं और जिनका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का है, उसका इफेक्ट होगा प्रॉफिट और लॉस पे, क्योंकि उनको हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एग्जांपल्स जैसे हम बात करें, अगर कि सबसे पहले हम बात करते हैं उन अकाउंट्स की जिनका इफेक्ट बैलेंस शीट पर होगा, वो कौन कौन से हैं. लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, डेब्टर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सस्पेंस अकाउंट एक्सेट्रा. अब इसमें एक चीज़ जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ ये सारे अकाउंट पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं, मतलब इनका जो इफेक्ट है वो जाएगा बैलेंस शीट पर. और वो अकाउंट जो आप शो करते हैं पी एंड एल अकाउंट में, मतलब आपके नॉमिनल अकाउंट और जो आपके गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है, जैसे परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट एक्सेट्रा. अब इनमें अगर कोई आपने रेक्टिफिकेशन किया है तो इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा पी एंड एल अकाउंट में. मतलब कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो आपने किया है उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट पर तब होगा जब जो नेचर है अकाउंट का वो नॉमिनल अकाउंट है. अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, दैट इज कि अगर नेट प्रॉफिट में इफेक्ट होगा तो बैलेंस शीट में भी अल्टीमेटली इफेक्ट होगा. उसका रीजन बीइंग ये कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं. तो अगर इफेक्ट हुआ है पी एंड एल अकाउंट में तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी शो होगा. तो इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन नेट प्रॉफिट जो हुआ है उसे आप दो मेथड से असर्टेन कर सकते हैं. पहला है बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट और दूसरा है बाय प्रिपेयरिंग रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर जो इफेक्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का नेट प्रॉफिट पर, उसे असर्टेन करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं. और उस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि अगर जो रेक्टिफाइंग एंट्री है उसमें जो आइटम्स आपने लिखी हैं वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होनी है, तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि आइटम्स डेबिट हुई हैं. तो उसे हम, जो भी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसे हम लिखेंगे उसके डेबिट या डिक्रीज कॉलम में. अगर जो रेक्टिफाइंग एंट्री है उसमें जो आइटम्स हैं जो आपने लिखनी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो क्रेडिट हुई हैं, तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा. तो इस आइटम्स को जो हैं हम लिखेंगे क्रेडिट या इंक्रीज कॉलम में स्टेटमेंट के. तो उसके बाद जब आप दोनों को कंपेयर करोगे, बोथ डिक्रीज और इंक्रीज का टोटल करने के बाद, तो अगर इंक्रीज कॉलम का सम ज़्यादा है डिक्रीज कॉलम से, इसका मतलब आपके प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से. अगर डिक्रीज का कॉलम ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से. अब इसमें एक चीज़ और कि जो ये स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे इसमें हम उन आइटम्स को नहीं लिखेंगे जिनका इफेक्ट बैलेंस शीट पर जाता है. मतलब कि जो आपका पर्सनल और रियल अकाउंट्स की रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर कोई अकाउंट आया है तो उसे हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे. नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, ये देखिए, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऑफ शोइंग इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने एंट्री वाइज लिखा कि उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है. जा रहा है तो डेबिट है या क्रेडिट है, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस, और उससे हमें पता चल गया कि कितने से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ और कितने से डिक्रीज हुआ.
ये हमारी एंट्रीज थी। अब जैसे ये मर्चेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट है, जो मर्चेंट अकाउंट है उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे नहीं जाएगा, रीजन भी वो आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है। देन अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, सस्पेंस अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट, अगेन नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट हम देखें, सेल्स अकाउंट टू प्लांट अकाउंट, सेल्स अकाउंट आ गया मतलब गुड्स अकाउंट आ गया तो इसका इफेक्ट जाएगा, तो सेल्स अकाउंट हमने लिखा। और इफेक्ट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अकाउंट सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 26,000 से, तो डेबिट साइड पे हमने लिख दिया 26,000। देन फोर्थ एंट्री अगर हम देखें, सेंट्रल डेप्टर्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, तो जो फोर्थ एंट्री है उसका इफेक्ट भी नहीं जाएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट नहीं है। देन सस्पेंस अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पे ये डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो उसका इफेक्ट जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट अकाउंट लिख के हमने क्रेडिट साइड पे 231 लिख दिया। दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो 25769 आया, मतलब जो आपका प्रॉफिट है इतने से रिड्यूस हो रहा है आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये था हमारा पहला मेथड। दूसरा जो हमारा मेथड है, दैट इज बाय प्रिपेयरिंग रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस मेथड में जो इफेक्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, नेट प्रॉफिट पर क्या हुआ है ये असर्टेन करने के लिए हम रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसमें जब अगर हमने रेक्टिफाइंग एंट्री में जो आइटम है जो आपने लिखनी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो डेबिट हुई है तो रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे डेबिट साइड पर लिख देंगे, अगर वो क्रेडिट हुई है तो उसे क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। इसमें क्या चीज़ है, दैट इज कि जितना हमने रेक्टिफाइंग एंट्री करने से पहले जो पी एंड एल अकाउंट बनाया हुआ है वो तो बना हुआ है आपका एज इट इज, उसके बाद हम नया जो पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं हम उसमें सिर्फ उन चीज़ों की एंट्री दे रहे हैं जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज में है। वहाँ पे अगर अकाउंट जो है हमारा वो डेबिट हो रहा है रेक्टिफाइंग एंट्री में, तो उसे हमने पी एंड एल के डेबिट साइड में लिख दिया, ट्रेडिंग का आइटम है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया। सिमिलरली अगर क्रेडिट का आइटम है रेक्टिफाइंग एंट्री में, क्रेडिट हो रही है कोई चीज़, तो उसे पी एंड एल के या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे, और उसके बाद जब हम उसे कंपेयर करेंगे तो जो भी आपका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट पे वो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये रिवाइज्ड पी एंड एल अकाउंट बनाया हमने, यहाँ पे देखिए हमने जर्नल में ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज आपने बनाई है, यहाँ सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट है। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग में आता है, तो यहाँ पे पी एंड एल मतलब रिवाइज जो हम बनाएंगे उसमें हम लिखेंगे इसके को, तो यहाँ सेल्स अकाउंट हमने लिख दिया 750 रुपीज़, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमारा एंट्री में डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दिया। अब जैसे यहाँ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है इसे भी हम लिखेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ क्रेडिट साइड में लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट जैसे एंट्री है हमारी है प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस अकाउंट। अब ये जो थर्ड जो हमारी एंट्री है प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री, अब इंश्योरेंस हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाता है 200 रुपीज़ है, तो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस में 200 रुपीज़ लिख दिया। प्रीपेड है तो आपकी एसेट हुई ना, तो हमने वहाँ पे उसे कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। देन ट्रेडिंग अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट है पी एंड एल में हम शो करेंगे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में जो रिवाइज है आपका। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड है शो होगा। रिपेयर अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया इसमें शो होगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी अकाउंट, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी अकाउंट अगेन नॉमिनल के केस में आ गया तो यहाँ पे शो होगा आपका। देन अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड टू इंटरेस्ट अकाउंट अगेन नॉमिनल में आ गया आपका, तो यहाँ पे हम उसे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों को शो करके जो डिफरेंस है वो आपने निकाल लिया, तो जो आपका करेक्ट प्रॉफिट है वो कितने से इफेक्ट हुआ, 2320 के अमाउंट से वो इफेक्ट हुआ। तो ये था हमारा चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कंप्लीट होता है। जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें जैसे मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया है कि जिस क्वेश्चन के नीचे हमारा लिखा हुआ है कि वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ है उसे आपने
करना है, उसे छोड़ना नहीं है. जैसे यहाँ पे ये हिमाचल की यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो अगर केयू की यूनिवर्सिटी में आया हुआ है तो आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसे आपने प्रैक्टिस करना है. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर नंबर 9, डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.